हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई आवेशित चालक है, अगर इस प्रकार का कोई आवेशित चालक है तो उसके पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक विद्युत बल कार्य करता है जिसे विद्युत दाब कहते हैं। और उसका फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, P इक्वल्स टू हमारे पास एफ अपॉन ए, और इसकी वैल्यू आई थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारे पास है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमारे पास आ रहा था कि P इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी जो भी चालक है उसको आवेशित किया जाएगा तो उस आवेश के कारण से उसके पृष्ठ पर एक विद्युत दाब होगा यानी विद्युत बल लगेगा जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत और आउटवर्ड होती है, सदैव पृष्ठ के लंबवत और आउटवर्ड होगी। इस प्रकार से ये डेरिवेशन हम कर चुके थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इससे जस्ट आगे है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा कितनी होगी। अगर किसी चालक को आवेशित किया गया है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संचित होगी, स्टोर होगी। तो उसके एकांक आयतन में कितनी विद्युत ऊर्जा है वो संचित होती है, उसके एकांक आयतन में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित होगी उस विद्युत ऊर्जा को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है, ये डेरिवेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आगे का जो वीडियो आपके अच्छी तरह से समझ में आ सके, क्योंकि हर वीडियो का एक पीछे वाले वीडियो से कनेक्टेड है, उसका उससे संबंध है, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे से सिक्वेंस से चल रहे हैं और उसी हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ओके, आज का हम स्टार्ट करते हैं, आप सभी तैयार हो जाए वीडियो को समझने के लिए और अपने नोट्स बनाने के लिए। तो करते हैं स्टार्ट कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा कितनी होगी, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जो पीछे वाला वीडियो है उससे हम शुरुआत करते हैं कि जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाएगा तो चालक की विशेषता है कि उसके अंदर कोई आवेश नहीं आएगा, उसके अंदर आवेश नहीं है, अंदर आवेश नहीं है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, अर्थात संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और उसके बाहरी पृष्ठ है यहाँ है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे इसको आवेशित किया जाएगा तो आवेशित करने से क्या होगा, इसके पृष्ठ पर और बाहर की दिशा में एक विद्युत बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करना शुरू कर देता है, विद्युत बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, और उस विद्युत बल को हम दाब कहते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि पी है वो प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, पी प्रोपोर्शनल टू क्या है, ई स्क्वायर है, या पी प्रोपोर्शनल टू है सिग्मा स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जो विद्युत दाब है वो जो विद्युत क्षेत्र है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल है उसका मान बढ़ेगा, या सिग्मा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, और सिग्मा बराबर होता है q² / a² q² / a² तो कहने का मतलब हुआ
कि अगर हम इस चालक को आवेशित करते जाएं, आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएं, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, पी बढ़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ रहा है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की वैल्यू बढ़ रही है। तो जब किसी चालक को हम आवेशित करते जाएंगे, आवेशित करते जाएंगे तो क्या होगा, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो विद्युत बल है उसका मान बढ़ेगा, और उसका मान बढ़ेगा, और चूंकि वो किस तरफ लग रहा है, भार की तरफ लग रहा है, उसके भार की तरफ लग रहा है, तो क्या होगा, ये भार की तरफ लग रहा है तो इससे क्या होगा, इसके आयतन में वृद्धि होगी, ये इसके आयतन में वृद्धि। ये था क्वेश्चन पेपर साथ, ये यहां पर पहुंच जाएगा, क्वेश्चन पेपर साथ ये यहां पर पहुंच जाएगा, इस प्रकार इसका आयतन बढ़ रहा है। तो यानी कि जो भी चालक है वो ऊपर प्रेशर के कारण से भार की ओर क्या होगा, विस्तारित होगा, भार की ओर क्या होगा, फैलेगा, तो उसके द्वारा कार्य किया जाएगा, और ये जो कार्य किया जाएगा वो उसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा, और उस विद्युत ऊर्जा को हम प्रत्येकांक आयतन में कितनी होगी, उस विद्युत ऊर्जा के प्रत्येकांक आयतन में कितनी होगी उसको हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। यही हमें ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा क्या होगी। तो एकांक आयतन में निहित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे जैसे उसको हम चार्ज करते जाएंगे तो उसके कारण से क्या होगा कि प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, और बल हमेशा बाहर की दिशा में लगता है, तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि हो रही है, यानी उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, और वो जो किया गया कार्य होगा वही उसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। तो इस प्रकार से इसको हम यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो प्रेशर है उसके प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विद्युत बल जिसको हम दाब कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हुए उसके प्रत्येक एकांक आयतन में निहित विद्युत ऊर्जा क्या होगी उसको हम यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए, ये हम लेके चलते हैं, इस प्रकार का हमें चालक गोला या गोलीय कोश मान लेते हैं कि हमने आर त्रिज्या का, इसकी त्रिज्या आर मान लेते हैं, ये इसका सेंटर है, कैपिटल आर, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश लिया, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश लिया, गोलीय कोश अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। अब इसको आवेशित करेंगे तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर, संपूर्ण आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, और इसके अंदर आवेश क्या होगा, जीरो, अंदर कोई आवेश नहीं होगा, इसके अंदर आवेश नहीं होने से क्या होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, यानी क्यू इक्वल्स टू जीरो, तो ई इन इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। इसको हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, तो बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर कितना होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना ये चीज हमें आनी चाहिए कि जब भी किसी चालक गोले को आवेशित किया जाएगा तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर आएगा, उसके अंदर आवेश जीरो होगा, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जीरो होगी, और उसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस आवेश के कारण से इसके ऊपर बल लग रहा है, इस आवेश के कारण इसके ऊपर से बल लग रहा है, जो फाइंड आउट कर चुके, इस प्रकार से बल लग रहा है, इस प्रकार से इसके ऊपर बल लगेगा, और इस बल के कारण से इसका विस्तार होगा, इस बल के कारण से इसका विस्तार होगा, अर्थात इसके आयतन में वृद्धि होगी। तो हम मानकर चलते हैं कि अगर इसको हम आवेश देते गए, आवेश देते गए तो कुछ समय पश्चात ये विस्तारित होकर यहां पहुंच गया, ये ओके, समझ गया, कुछ समय पश्चात ये विस्तारित होकर कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो इसका आयतन जो बढ़ा है, इसका आयतन बढ़ा यहां से यहां तक कि अगर डिस्टेंस माने तो ये डिस्टेंस तो होगी डी एक्स, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डी एक्स, इसका जो आयतन होगा, ये वाला जो आयतन होगा वो कितना हो गया, डी,
ये आयतन कितना होगा इसका डीवी, यानी कि हमने क्या किया इसको डी क्यों चार्ज दिया एक्स्ट्रा, क्या दिया इसको डी क्यों एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो उसके कारण से इसके आयतन में कितनी हुई डीवी वृद्धि होगी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया डी अक्ष आ गया, इतना डिस्टेंस इसका डी अक्ष आ गया। तो उसको हम समझेंगे कि ये जो आयतन में वृद्धि हुई यानी यहां से यहां तक गोला पहुंचा है चालक गोला है गोलीय कोष, इसका जो आवरण यहां था आवेश देने से वो यहां तक पहुंच गया है, तो कितना कार्य हुआ आयतन में वृद्धि हुई, तो आयतन में जो वृद्धि हुई इसके लिए इसने कार्य किया, वो कार्य कितना होगा वो हम यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके तो देखिए क्या आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने पर उसका संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, से वितरित हो जाता है। इस के कारण इसके पृष्ठ के बाहर की ओर इसके कारण इसके पृष्ठ के बाहर की ओर लंबवत एक विद्युत बल कार्य करता है जिसके कारण चालक के आयतन में परिवर्तन होता है, वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है, जिसके कारण वृद्धि होगी जिसके कारण इसके जिसके कारण चालक के आयतन में वृद्धि होती है, जिसके कारण चालक के आयतन में वृद्धि होती है, इस स्थिति में चालक द्वारा कार्य किया जाता है जो चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जितना कार्य किया जाएगा उतनी ऊर्जा इसके आयतन में क्या हो जाएगी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि कार्य किसमें परिणित हो रहा ऊर्जा में, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरण हो सकते हैं। तो यहां से हमने ये चीज पढ़ी है कि जब किसी चालक को आवेशित करने पर उसका संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसके कारण चालक के पृष्ठ के बाहर की ओर लंबवत एक विद्युत बल कार्य करता है जिसके कारण चालक के आयतन में वृद्धि होती है, इस स्थिति में चालक द्वारा कार्य किया जाता है जो चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके इसीलिए इसके आगे और लिखते हैं, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व है सिग्मा है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा है,
इस आवेशित गोलीय कोष के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल अर्थात दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल अर्थात दाब, और वो कितना होगा P, और P का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हम लास्ट जो हमारा वीडियो आया था उसमें इसको हमने ड्राइव किया था, तो ये हमें आना चाहिए। तो ये हमने इसकी रूपरेखा तैयार की है और इसको समझने का प्रयास किया है। कि जो प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी और बाहर की तरफ जो लग रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ओके। इसको आप नोट करो, इस आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या इसकी एकांक आयतन में निहित ऊर्जा का मान आने वाला है। देखिए आगे, अब यदि इस गोलीय कोष को डीक्यू आवेश और आवेशित किया जाता है, डीक्यू आवेश और आवेशित किया जाता है, तो इसके आयतन में वृद्धि डीवी होती है, इसके आयतन में वृद्धि डीवी होती है। क्यों? क्योंकि विद्युत बल है यानी दाब है वो उस पर वो लग रहा है, और वो किस तरफ लग रहा, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर, तो वो उसको फैलाएगा, इसको विस्तारित करेगा। इस आयतन वर्दी में, इस आयतन वर्दी में किया गया कार्य, ये जो आयतन वृद्धि हो रही है इसके लिए कार्य करना पड़ेगा, और किया गया कार्य कितना होता है हम जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन होता है, क्योंकि आपने अल्प चार्ज दिया तो आयतन में वृद्धि भी अल्प हुई, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी अल्प हुआ, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। इसको हम लिखते हैं dW, किया गया कार्य dW, बल कितना लग रहा है F लग रहा है, विस्थापन कितना हुआ dx हुआ, इनटू कितना हुआ dx हुआ, F की वैल्यू हम निकाले, परंतु F क्या होता है, परंतु F बराबर, F बराबर क्या, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर बराबर, प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, F बराबर, F बराबर क्या आएगा, P इंटू ए, बराबर पी इंटू ए आ जाएगा ओके। तो यहां से ये एफ की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ये 1 आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अतः डी डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, डी डब्ल्यू बराबर देखिए एफ, एफ की जगह हम लिखेंगे पी इंटू ए, पी इंटू ए और डी एक्स ओके, एफ की जगह पी इंटू ए और इंटू डी एक्स आ गया। अब ध्यान दीजिए, a इंटू dx, a क्या है इसका एरिया, किसका, चालक गोले का, a इसका क्या है एरिया है, और dx का विस्थापन हुआ, तो एरिया इंटू विस्थापन क्या हो गया, वॉल्यूम, एरिया इंटू विस्थापन क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, कि इसके आयतन में इतनी वृद्धि हो गई,
ये जो चालक गोला है, अगर चालक गोले के एरिया को इतना डिस्प्लेसमेंट दिया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म आएगी ए इंटू डी एक्स, ये क्या आएगी, आयतन में वृद्धि, यानी इस चालक गोले के आयतन में इतनी वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, परंतु आयतन में वृद्धि यानी डीवी बराबर ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स, जहां ए क्या है, गोले कोश का क्षेत्रफल, गोले कोश का क्षेत्रफल है, जहां ए क्या, गोले कोश का क्षेत्रफल है। ओके, तो ये हमारे पास आएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इस समीकरण हम याद रखने एक वाला, इसकी वैल्यू फुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू कितना आएगा, पी, डी डब्ल्यू कितना आएगा, पी, और ए डी एक्स को हमने क्या लिखा, डीवी, डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, पी डीवी। तो ये डी डब्ल्यू क्या क्या गया, कार्य, डी डब्ल्यू क्या होगा हमारा, क्या गया, कार्य होगा, और जो किया गया कार्य है वही क्या होती है आपकी, जो किया गया कार्य है वही क्या है, विद्युत स्थिति ऊर्जा है। हमने शुरुआत में ये क्या है कि इसके आयतन में जो वृद्धि होगी और आयतन वृद्धि में जो गोले द्वारा कार्य किया जाएगा, चालक गोले द्वारा कार्य किया जाएगा, वो किया गया कार्य इसकी विद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा, संचित होगा। तो ये जो किया गया कार्य क्या है, इसकी विद्युत स्थित ऊर्जा में स्टोर होगा। ठीक है, इसको नोट करो, इसके पश्चात हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, जिसे क्वेश्चन नंबर थ्री कह देते हैं। यह है किया गया कार्य ही इसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात डी यू, इसको लिख दें डी यू बराबर क्या आएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, पी डीवी, पी डीवी। ठीक है, अब एकांक आयतन में निहित ऊर्जा क्या होगी, तो एकांक आयतन का भाग दीजिए, एकांक आयतन में निहित ऊर्जा होगी तो हम क्या करें, एकांक आयतन का भाग दे देंगे। ये इसको समीकरण में चार नाम दे दो, यहां से हमारे पास ये चीज आएगी। तो ये हमारे पास विद्युत ऊर्जा है जो इसे चालक गोला है उसको आवेशित करने पर इसके विद्युत क्षेत्र में क्या हो गई है, संचित हो गई, इतनी ऊर्जा इसके अंदर संचित होगी। अब अगर हम संपूर्ण की बात करें, ये तो अल्प था, अल्प था, तो संपूर्ण करेंगे इसका समाकलन करेंगे, संपूर्ण चालक है, संपूर्ण गोलीय कोश से लेकर संपूर्ण गोलीय कोश से संबद्ध ऊर्जा, तो कितना आएगा, समाकलन करेंगे तो यू आएगा, यू बराबर इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन होगा, और कितना आएगा, पी डीवी, यू बराबर क्लोज इंटीग्रेशन पी डीवी, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, एकांक आयतन में नीत हमसे पूछा है, देखिए कितना आएगा, गोलीय कोष के एकांक आयतन में, गोलीय कोष के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा, गोलीय कोष के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा, या इसको हम बोलेंगे ऊर्जा घनत्व, क्या बोला जाएगा, ऊर्जा घनत्व, और ये ऊर्जा घनत्व कितना आएगा, यानी कि डी यू बराबर कितना आएगा, डीवी, डी यू अपॉन डीवी, वॉल्यूम का भाग दे दे, इसके बराबर आएगा पी के बराबर, इसमें भाग लगा दे, डीवी का डीवी से डीवी कट गया, क्या बच गया, पी बच गया, और इसको हम कहते हैं यू, इसको स्मॉल यू से,
स्मॉल यू से मेजर करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल यू बराबर पी आ रहा है, और पी की वैल्यू कितनी थी, पी की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वही आ रहा है। वही फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त हो रहा है एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो जो भी चालक गोला है या कोई गोलीय कोश है तो उसके एकांक आयतन में जो निहित ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर ही जो विद्युत बल प्रति एकांक क्षेत्रफल कार्य कर रहा है उसका जितना मान है उतना ही मान उसका क्या आएगा, उसके प्रति एकांक आयतन में निहित ऊर्जा का मान आएगा। तो ये हमने एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन किया है कि जब भी किसी चालक को आप आवेशित करते हैं तो उसके कारण से उसके बाहरी परस्पर पर लंबवत दिशा में विद्युत बल कार्य करता है और उसके एकांक क्षेत्रफल जो बल होगा उसको विद्युत दाब कहते हैं, और उस विद्युत दाब के कारण से चूंकि वो बाहर की तरफ लग रहा है तो उसका विस्तार होता है, उसके आयतन में वृद्धि होती है। जब आयतन में वृद्धि होगी तो इसका मतलब उस पृष्ठ द्वारा कार्य किया जाएगा, और जो पृष्ठ जितना कार्य करेगा वो उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा, संचित हो जाएगा। तो उसके प्रति एकांक आयतन में जो निहित ऊर्जा का मान हमारे पास आ रहा है वो है यू बराबर स्मॉल यू है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आ जाएगा। और ये जो वैल्यू लिखे हमने समीकरण सही, इसमें पी का मान समीकरण 1 से रखने पर, पी का मान हमने समीकरण 1 से रखा तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर इतनी ऊर्जा स्टोर होगी। तो ध्यान रखना जो चालक होता है उसके अंदर जो विद्युत ऊर्जा संचित हो रही है वो कहां होती है, उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर स्टोर होगी। नोट करके लिख देना, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत ऊर्जा उसके विद्युत क्षेत्र में आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत ऊर्जा उसके विद्युत क्षेत्र में संचित होती है। जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी, उसके विद्युत क्षेत्र में संचित होगी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, छोटा है, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, तो इसको आप इजी वे में कर सकते हैं। और सिंपल सा ये डेरिवेशन था कि विद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा संचित हो इसका मान कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एकांक आयतन में आ रहा है या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, दूसरा छोटा सा टॉपिक हम और करते हैं आज, ताकि आज ही इस लेसन की थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस लेसन की हम थ्योरी को हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। दूसरा छोटे वाला एक टॉपिक और कर लेते हैं क्लियर, ताकि हमारे आज का और इस लेसन की थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। और ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक तो विद्युत दाब वाला डेरिवेशन है वो भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, और ये एकांक आयतन में निहित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो दूसरा जो टॉपिक है वो आपका होगा आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन, आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन क्या होगा उसका हम स्टडी करेंगे। इक्विली चार्ज सॉक बबल
इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सॉफ बबल्स, आवेशित साबुन की बुलबुले का संतुलन हमें देखना है। दूसरा एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम और कर लेते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस लेसन का, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके पश्चात हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या करना है इसके अंदर कि आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन, साबुन का जो बुलबुला है उसका हमें संतुलन देखना है कि अगर उसको आवेशित कर दिया जाएगा तो उसका संतुलन कंडीशन क्या बनेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन उसकी यानी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी। तो हम ये एक साबुन का बुलबुला ले लेते हैं, किस प्रकार का एक साबुन का बुलबुला है, और थोड़ा सा साबुन के बुलबुले पर आप नजर दौड़ाइए, क्योंकि जब साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर 2 लेयर होती है, आपको ध्यान में रखना है। एक से हवा का बुलबुला या बुलबुला होगा उसके अंदर 1 लेयर होती है, 1 परत होती है, और साबुन के बुलबुले के अंदर 2 परत होंगी, ठीक है, एक अंदर और एक बाहरी परत होती है। तो ये साबुन का बुलबुला है, ये मानकर चलते हैं यहां से यहां तक, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, इसका सेंटर होगा। तो साबुन के बुलबुले के बाहर ये वायुमंडल लेते हैं, इधर क्या होगा, वायुमंडल ये दाब, इसको हम कह रहे हैं पी ए है, एटमोस्फेरिक प्रेशर वायुमंडल दाब, और इसके अंदर पी इन है, इसके अंदर क्या है पी इन, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, और इसमें होता क्या है कि जो पी इन है वो ग्रेटर देन होता है पी ए, अंदर का दाब है बाहरी दाब से क्या होगा अधिक होगा, इन दाब के अंदर के कारण से इसमें दाब अधिक उत्पन्न हो जाएगा, इस दाब के अंदर के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, दाब अधिक उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि पी इन माइनस जो पी ए है उसको हम पी कहेंगे अधिक, ये दाब अधिक उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिए, साबुन का जो बुलबुला है उसके अंदर जो दाब होगा वो भारी वायुमंडल दाब से क्या होगा अधिक होगा, इन तो इन दोनों के प्रेशर, इन दोनों के जो प्रेशर का जो रिफरेंस है वो दाब अधिक ही उत्पन्न करेगा, अर्थात कहने का मतलब है रिजल्टेड जो प्रेशर लगेगा वो किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि साबुन का बुलबुला लिक्विड है, साबुन क्या लिक्विड है, साबुन का बुलबुला है, और लिक्विड की विशेषता होती है कि उसके ऊपर एक पृष्ठ तनाव और वर्क कर रहा है, पृष्ठ तनाव और वर्क करेगा, तो इसके ऊपर जो पृष्ठ तनाव वर्क करा वो नीचे की तरफ, ऐसे ये पृष्ठ तनाव नीचे की तरफ वर्क करेगा, ये टी पृष्ठ तनाव टी वर्क कर रहा है, तो इसका जो दाब अधिक के कारण जो प्रेशर लग रहा है जो बाहर की तरफ है वो पृष्ठ तनाव द्वारा क्या होगा बैलेंस बनेगा, पृष्ठ तनाव द्वारा क्या होगा संतुलित होगा, ठीक है समझ। तो इस प्रकार से यानी कि पी अधिक जो आ रहा है, जो इन दोनों में डिफरेंस का अधिक आ रहा है वो तो बाहर की तरफ लगाएगा, वो तो क्या लगा रहा है बाहर की तरफ लगा रहा है, लेकिन जो लिक्विड होने के कारण से इसके पृष्ठ पर सरफेस टेंशन वर्क करेगा, पृष्ठ तनाव वर्क करेगा, वो सदैव इसको अंदर की तरफ वर्क करेगा, इसको रिड्यूस करने का प्रयास करता है, इसके एरिया को रिड्यूस करने का प्रयास करता है। तो पी अधिक के बाहर की तरफ लग रहा है, ये अंदर की तरफ लग रहा है, तो इस कंडीशन में बुलबुला क्या होगा संतुलन, साबुन का बुलबुला क्या होगा संतुलन अवस्था में आएगा। यानी संतुलन अवस्था का मतलब है कि दाब अधिक के कारण जो फोर्स लग रहा है और पृष्ठ तनाव के कारण जो फोर्स लग रहा है वो आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसके कारण से आपका बुलबुला क्या आ जाएगा संतुलन अवस्था में आ जाएगा। ओके, तो इसके अंदर हम करते हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर दाब पी आई, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब पी आई बाहरी वायुमंडलीय दाब पी ए से अधिक होता है, अधिक होता है
अर्थात पी इन ग्रेटर देन पी ए। इस दावांतर के कारण बुलबुले के अंदर दाब अधिक के इस दाबांतर के कारण बुलबुले के अंदर दाब अधिक के एग्जैक्ट हम कह सकते हैं इक्वल्स टू आएगा पी इन माइनस पी ए उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बुलबुला साबुन का है अतः इसके पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ तनाव के कारण एक बल कार्य करता है, पृष्ठ तनाव के कारण एक बल कार्य करता है जो अंदर की तरफ लगता है, अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। क्योंकि इस दाबांतर के कारण बुलबुले के अंदर दाब अधिक के उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बुलबुला साबुन का आता है इसके पृष्ठ अतः इसके पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव के कारण एक बल कार्य करता है जो अंदर की तरफ लगता है, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ये जो बल लग रहा है वो किसी कारण से लग रहा है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की तरफ और दाब अधिक के कारण से क्या होता है बाहर की तरफ लग रहा है। तो बुलबुला संतुलन में इसका मतलब दाब अधिक के और पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल संतुलन अवस्था में है। तो देखिए संतुलन अवस्था में साबुन के बुलबुले की अनावेशित स्थिति में संतुलन की शर्त, जब बुलबुला अनावेशित उसको चार्ज नहीं किया गया है तो साबुन के बुलबुले की अनावेशित स्थिति में संतुलन की शर्त क्या होगी कि दाब आदि के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है वो क्या होगा पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न बल के क्या होगा बराबर होगा। तो इसको हम यहां ही लिखते हैं, ये नोट कर लीजिए आप, देखिए क्या आएगा दाब आधिक्य के कारण बल बराबर पृष्ठ तनाव के कारण बल, पृष्ठ तनाव के कारण बल। अब बल की परिभाषा है तो बल बराबर क्या होता है दाब इंटू क्षेत्रफल, दाब इंटू क्षेत्रफल, तो क्या आएगा दाब आधिक्य इंटू क्षेत्रफल और यहां पर क्या आएगा पृष्ठ तनाव इंटू लंबाई, पृष्ठ तनाव के कारण जो बल होगा वो कितना होगा पृष्ठ तनाव इंटू लंबाई, लंबाई का मतलब फरीदी इंटू बुलबुले की फरीदी, क्योंकि हम जानते हैं पृष्ठ तनाव के कारण जो फोर्स लगता है जो पृष्ठ तनाव है वो होता है एफ अपॉन एल, होता है एफ अपॉन एल, किसी लिक्विड के पृष्ठ पर सतह पर लगने वाला जो पृष्ठ तनाव है वो है उसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, उसके एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होता है पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो टी इक्वल्स टू एफ अपॉन एल होता है, तो एफ निकालना चाहे तो टी इंटू एल आ जाएगा, तो टी इंटू एल बुलबुले की, एल का मतलब यहां बुलबुले की परिधि क्या है, तो दाब अधिक के कारण दाब अधिक क्या हमारा पी इक्वल्स इंटू एरिया ए, इंटू एरिया
तो पी ए इंटू एरिया ए लिखे और ये लिखे टी। प्रश्न का नाम क्या लग रहा है? टी। अब ध्यान रखना बुलबुले के अंदर दो लेयर है, साबुन का बुलबुला है, हवा का होगा तो उसके अंदर एक लेयर होगी, लेकिन साबुन के बुलबुले के अंदर इधर भी होगी और इधर दो लेयर होती है। तो यहां पर लिखेंगे टी इंटू टू, परिधि कितनी आएगी? टू, टू इंटू परिधि। ठीक है, तो देखिए पी जेड इक्वल्स टू एरिया, इसका एरिया कितना होगा बुलबुले का एरिया क्या? रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी, और ये हमारे पास आएगा टी इंटू टू, और इसको हम लिखेंगे परिधि कितनी आ जाएगी, परिधि हमारे पास आएगी टू पाई आर, तो टू पाई आर परिधि टू टू पाई आर होती है। अब यहां से हम टी फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यानी कितना इसमें सरफेस टेंस प्रश्न आप कितना आता है, या पी टी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो टी देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, तो टी देखिए हमारे पास कितना आएगा, ये अब पाई आर से आएगा, पाई आर कट जाएगा, तो यहां से कितना आएगा देखिए पी एग्जैक्ट और इन टी इंटू फोर पाई आर, तो यहां से तो आएगा ओके पी पी एग्जैक्ट की वैल्यू निकालो, पी दाब अधिक कितना होता है, दाब अधिक तो कितना आएगा 40, ये तो आ जाएगा 40 टू इंटू टू और 40, और यहां कितना हो जाएगा आर, कितना हो जाएगा आर 40 अपॉन आर, दिस इज इक्वेशन नंबर है, इसको हम पहले कोई इक्वेशन नंबर दिया है ओके वन, इक्वेशन नंबर वन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बुलबुला है उसके अंदर जो दाब अधिक है कितना आएगा 40 अपॉन आर आता है, बुलबुले के अंदर जब अनावेशित है तो उसके अंदर जो दाब अधिक है कितना आएगा 40 अपॉन आर होगा, और ये दाब अधिक है किससे संतुलित हो रहा है, इस पृष्ठ तनाव से संतुलित हो रहा है, और ये दाब अधिक किधर लग रहा है बाहर की तरफ, ये दाब अधिक किधर से लग रहा है बाहर की तरफ लग रहा है, जिसको ये पृष्ठ तनाव है इसको क्या कर रहा है संतुलित कर रहा है। तो जब ये अनावेशित है बुलबुला अनावेशित है तो उस अवस्था में इसके संतुलन करने से लिए है, इस अवस्था में ये संतुलित होगा, ये इक्वल होगा तब ये संतुलित होगा, अदरवाइज संतुलित नहीं होगा, तो ये संतुलन की शर्त है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्थिति में, हम क्या करते हैं कि इस बुलबुले को हमने आवेशित कर दिया, इस बुलबुले को आवेशित कर दिया, और जैसे इसको हम आवेशित करेंगे तो क्या होगा, आवेश उसके बाहरी आवरण पर आ जाएगा, आवेश उसके बाहरी आवरण पर आएगा, जैसे आवेश आएगा तो हम जानते हैं उस आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर बाहर की दिशा में लंबवत बल कार्य करता है, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल होगा जिसको हम क्या करेंगे विद्युत दाब कहेंगे, उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, उसकी दिशा इस तरफ और यहां पर बाहर की तरफ होगी, तो ये दो बल वर्क हो गए, एक तो पी अधिक जो लग रहा वो भी बाहर की तरफ लग रहा है, एक विद्युत बल लगेगा वो भी बाहर की तरफ लगेगा, दोनों बाहर की तरफ लगेंगे, और इसको संतुलित कौन करेगा, ये पृष्ठ तनाव संतुलित कौन कर रहा है, पृष्ठ तनाव, और जैसे जैसे हम इसको आवेशित करते जाएंगे तो क्या होगा, इसका विस्तार बढ़ता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अंदर का दाब अधिक शून्य हो जाएगा, यानी बुलबुला फूट जाएगा, अंदर का दाब अधिक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, बुलबुला फूट जाएगा, तो उस कंडीशन को हमें फाइंड आउट करना है कि वहां से संतुलन कंडीशन हमारी क्या निकलती है। ओके, तो उसको हम आगे करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम काम में लेते हुए करेंगे। अब यदि बुलबुले को आवेशित किया जाता है, अब यदि बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ विद्युत दाब,
अब यदि बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ विद्युत दाब कितना होगा PE, इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा जिसे इक्वेशन नंबर टू, बाहर की तरफ विद्युत दाब पी इलेक्ट्रिक टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कार्य करेगा। ओके तो देखिए आता है इस स्थिति में PEX तथा PE बाहर की तरफ है कार्य कर रहे हैं जबकि पृष्ठ तनाव, जबकि पृष्ठ तनाव के कारण दाब अंदर की तरफ, पृष्ठ तनाव के कारण दाब अंदर की तरफ लगता है, यानी P इलेक्ट्रिक भी बाहर की तरफ लग रहा है और P एक्सर्ट भी बाहर की तरफ लग रहा है लेकिन पृष्ठ नाभिकरण किस तरफ लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है। तो अतः हमारे पास क्या आएगा P एक्सर्ट यानी P दाब आदि की प्लस P इलेक्ट्रिक विद्युत दाब आदि की बराबर किसके होगा 40 अपॉन R के, किसके बराबर आएगा 40 अपॉन R के बराबर होगा, निश्चित है क्वेश्चन नंबर 3 आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे इस कंडीशन में। और फी इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसको हम पुट करते हैं और यहां से ये चीज बना देते हैं कि जैसे इसको हमने क्या किया आवेशित किया, आवेशित किए तो इसको आवेशित कर दिया ये कुछ भी पश्चात, इसको हमने क्या कर दिया आवेशित कर दिया, आवेशित करेंगे तो बाहर की तरफ लग रहेगा पी इलेक्ट्रिक कितना होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये भी अंदर की तरफ लग रहा है और पी एक्सर्ट जो लग रहा है वो भी बाहर की तरफ लग रहा है, तो पी एक्सर्ट वो भी बाहर की तरफ लग रहा है पी एक्सर्ट लग रहा है वो भी बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों बाहर की तरफ लग रहे। तो देखिए अब क्या आएगा इसके आगे हम देखते हैं, इसको देखो तो हमारे पास क्या आएगा यहां PX इक्वल्स टू कितना आएगा 40 अपॉन R माइनस ये इधर चला जाएगा P इलेक्ट्रिक और इसकी वैल्यू कितनी है 40 अपॉन R, पी इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में पी एक्जेड इक्वल्स टू क्या जाएगा जीरो। ये एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आपने बुलबुले को आवेशित किया तो आवेश आपने बढ़ाते चलाएंगे बढ़ाते चलाएंगे तो अंदर का दाब अधिक शून्य हो जाएगा, दाब अधिक शून्य हो जाएगा और बुलबुला क्या हो जाएगा फूट जाएगा। उस अवस्था में बुलबुले की संतुलन कंडीशन क्या लिखी जाएगी कि फी एक्सर्ट इक्वल्स टू क्या आएगा जीरो आएगा। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा तो देखिए हमारे पास ये बनेगा दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, तो ये जीरो बन गया तो हम लिख सकते हैं 40 अपॉन आर इक्वल्स माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू जीरो या 40 अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां से आप बुलबुले की त्रिज्या निकालो, तीन चीज पूछी जाएंगी जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी उस पर आवेश कितना होगा और उसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, तीन चीज इसके अंदर आपसे पूछी जाती है। तो अब देखिए बुलबुले की त्रिज्या आवेशित बुलबुले की आवेशित बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी,
फर्स्ट आवेशित बुलबुले की त्रिज्या यहां से निकाल देंगे तो आर बराबर हमारे पास क्या आएगा, आर बराबर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो तो एट आ जाएगा, एट ए फोर टू जा एट ए एप्सिलॉन नॉट एट एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से फिर आगे देखिए 40 अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करी तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। दूसरा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसकी सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी देखिए। दूसरी चीज हम इसको फाइंड आउट कर ले, इसको आप नोट कर लेना। सेकेंड बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा सिग्मा। तो निकालेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा स्क्वायर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। और सिग्मा स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ जाएगा एट टी एप्सिलॉन नॉट, एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। या सिग्मा बराबर क्या आएगा, स्क्वायर रूट एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फाइव। ये इस बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। अगर हम त्रिज्या पूछी जाए तो इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व पूछा जाए तो इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे, एंड तीसरा पूछा जाएगा इस पर आवेश कितना होगा, आवेश की मात्रा। और देखिए आवेश की मात्रा पूछी जाए तो हमारे पास कितना आएगा, आवेश की मात्रा पूछी जाए तो इस पर आवेश कितना आएगा, तो तीसरा बुलबुले पर आवेश, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा एरिया, आवेश बटा एरिया। तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या आएगा। तो देखिए यहां पर नंबर तीन यहां लिख देते बुलबुले पर आवेश, बुलबुल पर आवेश क्योंकि सिग्मा है और सिग्मा बराबर लिखेंगे हम, सिग्मा बराबर आपको दिया हुआ है एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, और सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या है, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। तो क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए इक्वल्स टू एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, या क्यू बराबर क्योंकि वैल्यू निकालनी है, क्यू बराबर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर रूट एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। ए इसका एरिया और एरिया कितना होगा, फोर पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होता है इस गोले का, गोले कोश है, गोले कोश का एरिया फोर पाई आर स्क्वायर, तो फोर पाई आर स्क्वायर वर्गमूल एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। एक तो यह फॉर्मूला बनेगा इसका, दिस इज द इक्वेशन नंबर सिक्स। इसको और थोड़ा मॉडिफाई हम कर सकते हैं, यहां क्या बनेगा क्यू इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ, आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो आर स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो आर फोर जाएगा, क्या बनेगा एट टी एप्सिलॉन नॉट आर फोर अपॉन आर। समझ में, आर स्क्वायर है अंदर जाएगा तो आर फोर आएगा, तभी आर फोर को बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। ओके, एक आर से एक आर कट जाएगा तो क्यू बराबर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट फोर पाई स्क्वायर रूट एट टी एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ही आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेवन। तो ये हमारे पास था साबुन का बुलबुला था, उसको हम आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि बढ़ेगा, ध्यान रखना बुलबुले को जब भी आवेशित किया जाएगा उसकी त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि बाहर की तरफ बल लग रहा है, बाहर की तरफ बल लग रहा है, उस बल के कारण उसका विस्तार होगा तो उसकी रेडियस बढ़ेगी, और अगर हम लगातार उसको आवेशित करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी बुलबुला फूट जाएगा क्योंकि अंदर का दाब अधिक है, उस अवस्था में शून्य हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है
तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब भी आवेशित साबुन का बुलबुला है उसके संतुलन अवस्था में उसकी त्रिज्या क्या फॉर्मूला बनता है, उसके पृष्ठ आवेश घनत्व क्या फॉर्मूला बनता है, उस पर आवेश की मात्रा कितनी आती है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट की स्टडी की है, दो शॉर्ट टॉपिक थे। एक तो विद्युत जो चालक है उसके एकांक आयतन में निहित ऊर्जा कितनी आएगी, और उसके हमने देखा एकांक आयतन में निहित जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, दूसरा जो साबुन का बुलबुला है जिसको हमने आवेशित किया गया है तो उस अवस्था में उसकी संतुलन स्थिति में उस पर त्रिज्या कितनी, उसकी रेडियस कितनी आएगी, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, और उस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और नीचे नोट करके लिख लेना कि जब भी बुलबुले को आवेशित किया जाता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसको आवेशित किया जाए उसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी क्योंकि इसका रेडियस बढ़ेगा, बाहर की तरफ बल लगेगा, विद्युत बल बाहर की तरफ लगता है। नोट करके बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है क्योंकि पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ विद्युत दाब P = सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कार्य करता है, कार्य करता है, ये लगेगा। तो जो भी चालक होगा उसको आवेशित करेंगे तो उसके पृष्ठ के लंबवत और बाहर की तरफ ही बल लगता है, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, जिसका मान ये होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझे हैं, तो आज का वीडियो हमारे यही हम करते हैं, और कल से हम इस लेसन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पर फोकस करेंगे क्योंकि हमने थोड़ी अच्छी तरह से पढ़ ली है, सारी डेरिवेशन हमने अच्छे से करवा दी है। अब आप इन सभी थ्योरी को अच्छे से पढ़े, डेरिवेशन को अच्छे से करें, जितने भी इसके अंदर फॉर्मूले आए हैं वो अच्छे से याद रखें क्योंकि न्यूमेरिकल हम तभी कर पाएंगे जब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है और उसका जो फॉर्मूला हमने अच्छे से याद आपके पास आ रहा है। तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो तुरंत हम समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होने वाला है। ओके, तो आज आप अच्छे से इनको पढ़कर फॉर्मूले को याद कर लीजिए ताकि कल हम जब न्यूमेरिकल करें तो हमें समझने में कोई दिक्कतें नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।